नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा। बात कर रहे हैं शनि जयंती की। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को ही सूर्य पुत्र शनि देव का जन्म हुआ था और इस पर ये अमावस्या तिथि, ये ज्येष्ठ की अमावस्या है 6 जून बृहस्पतिवार के दिन। अमावस्या का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कर्मफलदाता कहे जाने वाले, न्याय के देवता कहे जाने वाले शनि देव का जेठ की अमावस्या के दिन ही जन्म हुआ था। यह दिन बहुत ही खास है। इस दिन अमावस्या भी है और इसके साथ ही वट सावित्री का व्रत भी है। इस दिन शनि देव की पूजा पाठ और आराधना करने से आपको, और दान करने से, किसी भी तरह के शनि देव से अगर आप कष्ट से पीड़ित हैं तो उनसे मुक्ति भी मिलती है। शनि की साढ़े साथी है, शनि की ढैया है, पीड़ा है, कष्ट है, या फिर कुंडली में शनि आपके मारक भाव में बैठे हैं, या फिर शनि की महादशा आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी नहीं है, तो शनि जयंती के दिन कुछ छोटे और आसान काम करने से आपको इन कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। इस समय कोशिश करें, इस दिन अमावस्या के दिन आप व्रत ज़रूर करें। मंदिर में तिल या तेल का दान अवश्य करें, लेकिन कोशिश करें कि अमावस्या के दिन जब आपको ये दान करना है तो एक दिन पहले ही खरीद के रख लें। इसके साथ ही आप शनि देव को शमी पत्र, नीले फूल भी अर्पित कर सकते हैं। शनि देव के समक्ष तिल के तेल का दिया या फिर आप सरसों के तेल का दिया भी जला सकते हैं। इसके साथ ही आपको शनि देव के समक्ष बैठ करके शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए या फिर राजा दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ भी आप इस दिन ज़रूर कर सकते हैं। शनि देव कर्म फल दाता हैं तो अपने कर्मों का इस दिन खास ख्याल रखें। किसी को भी कष्ट ना पहुँचाएँ। तामसिक भोजन, अल्कोहल यानी कि मांस मदिरा से इस दिन आप दूर ज़रूर रहें। शमी दल जो है शनिदेव को बहुत प्रिय है, तो इस दिन आप शमी के वृक्ष के समक्ष भी तेल का दिया जरूर जला सकते हैं। शनिदेव को शमी पत्र भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन अमावस्या के दिन, जिस दिन शनि जयंती भी है, आपको भगवान शिव की पूजा करने से भी कई शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। अगर हम दान की बात करें तो इस दिन आप दान में दाल और तिल दे सकते हैं। वहीं नीले रंग के वस्त्र भी दान में दिए जा सकते हैं। अगर और बात करें कि अगर आपको शनि के कष्ट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको इस दिन छाया दान ज़रूर करना चाहिए। एक कटोरे में सरसों के तेल लें और उसमें अपना चेहरा देखने के बाद अगले दिन इसको दान कर दें। इसके साथ ही बहते हुए जल में नारियल इस दिन आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। वहीं अगर शनि देव के कष्ट से पीड़ित हैं और भगवान शिव की भी आशीर्वाद आपको चाहिए, इन कष्टों से मुक्ति चाहिए, तो एक लोहे का त्रिशूल शिव मंदिर में जा कर के अर्पित ज़रूर करें। अब आइए बात करते हैं कि आप अपनी राशि के अनुसार शनि जयंती के दिन कौन सी चीज़ें दान में दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों को इस दिन काले रंग के या फिर नीले रंग के वस्त्र दान ज़रूर करने चाहिए। वृषभ राशि की बात की जाए तो इस दिन आप दूध दान में दे सकते हैं। मिथुन राशि के लिए तिल का दान इस दिन बहुत ही शुभ रहेगा। कर्क राशि की बात की जाए तो कर्क राशि के जात को भी इस दिन वस्त्र दान ज़रूर करना चाहिए। सिंह राशि के लिए इस दिन अगर हम दान की बात करें तो आप स्टील दान में दे सकते हैं। स्टील के बर्तन दिए जा सकते हैं। आप मंदिर में स्टील का दान ज़रूर करें। कन्या राशि के जातकों को इस दिन सरसों का तेल दान में ज़रूर देना चाहिए, या सरसों के तेल में बनी हुई चीज़ें भी आप दान में दे सकते हैं। तुला राशि की बात की जाए तो तुला राशि के जातकों को इस दिन जूते या चप्पल का दान ज़रूर करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए ये जो शनि जयंती के दिन आप जल का दान ज़रूर करें। जेठ का महीना बहुत ही गर्म होता है तो इस दिन जल का दान भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर हम धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के जातकों को इस दिन छाते का दान ज़रूर करना चाहिए। मकर राशि के लिए तिल का दान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और वहीं कुंभ राशि के लिए भी लोहे से बनी हुई चीज़ों का दान इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं अगर हम मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए इस दिन दवाइयों का दान, अगर आप कोई ज़रूरतमंद है, किसी की सेहत ख़राब है, तो आप दवाइयों का दान भी ज़रूर कर सकते हैं। तो इस बार शनि जयंती 6 जून बृहस्पतिवार के दिन आपको शनि देव के समक्ष
पूजा पाठ, आराधना, चालीसा का पाठ ज़रूर से करना चाहिए। शनि स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें, जिससे शनि के कष्टों से, किसी भी तरह के कष्ट से अगर आप पीड़ित हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी और आपके कष्ट भी कम ज़रूर होंगे, दुख और पीड़ा भी कम ज़रूर होगी। और इसके साथ ही अगर शनि की ढैया या फिर साढ़े साती से भी पीड़ित हैं तो उसके कष्टों में भी आपकी कमी ज़रूर आएगी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।